गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका भाई श्यामू हर छोटी छोटी चीजों से डर जाता था। एक बार रामू अपने भाई श्यामू के साथ खेत पर जा रहा होता है। रास्ते में एक बगीचा पड़ा। दोनों थोड़ी देर के लिए उस बगीचे में रुक जाते हैं आराम करने के लिए। अचानक श्यामू को बगीचे में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जरूर इस बाग में कोई भूत है। क्या भाई, दिन में भूत कहाँ से आएगा? तुम भी ना भय का भूत पालते हो। तभी श्यामू की नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ती है। उसे लगता है जैसे कोई डरावनी सी शक्ल उस पेड़ पर बैठा हुआ है और उसे ही घूर घूर के देख रहा है। अरे वो देखो, पेड़ पे कोई है। रामू ऊपर देखता है। अरे नहीं श्यामू, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। पर वो भयानक चेहरा, डरावनी लाल आंखें अभी भी श्यामू को घूर रही होती है। फिर श्यामू डरते डरते रामू को वहाँ से चलने को बोलता है। फिर वो दोनों बाग से निकल के अपने खेतों की तरफ चल देते हैं। रामू पक्षियों को भगाने के लिए एक मटके पे आंखें और मुंह बना के लकड़ी का एक पुतला बनाता है और उसे खेत के बीचों बीच खड़ा कर देता है। फिर शाम होने पर, श्यामू मैं यही खेत की निगरानी करता हूँ, तुम घर जाओ और खाना ले आओ। ठीक है भाई। रामू के कहने पर श्यामू चल तो देता है घर की ओर, पर वो बहुत सहमा हुआ होता है। तभी रात हो जाती है। अचानक डरावनी आवाजें आने लगती है। रामू को एकाएक एहसास होता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। किसी के जूते के चलने की आवाज आती है, पट 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 पट। जूतों की आहट सुन के श्यामू रुक जाता है और हिम्मत करके पीछे पलटता है। पलटते ही उसकी नजर फटी की फटी रह जाती है। उसके सामने बड़ी बड़ी दो लाल डरावनी आंखें दिखती हैं। कौन है? कौन है वहाँ? फिर श्यामू अपनी टॉर्च की रोशनी उन आंखों पर डाल के देखने की कोशिश करता है, पर ये क्या, सिर्फ आंखें और बूट्स? श्यामू को तो मानो सदमा लग गया हो। श्यामू तेज तेज भागने लगता है। अरे कोई बचाओ, ये क्या आफत है, कोई बचाओ मुझे इन डरावनी आंखों से, बचाओ बचाओ। श्यामू आगे आगे भागता है और वो आंखें और बूट्स श्यामू का पीछा करते हुए भागते हैं। चिल्लाता हुआ श्यामू भागते भागते अपने घर में घुस जाता है और अंदर से गेट बंद कर लेता है। श्यामू लंबी लंबी सांसें लेता है। बाल बाल बच गया आज, वरना वो आंखें तो जैसे मेरे ही पीछे पड़ गई थी। फिर श्यामू खिड़की से बाहर झांक के देखता है, कोई नजर नहीं आता उसे। फिर श्यामू खाना खाने लगता है और रामू के लिए भी खाना बांधता है और फिर खेतों की तरफ निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे ये श्यामू कहाँ रह गया, अभी तक खाना लेके नहीं आया। यहाँ श्यामू खाना लेके निकल तो आता है, पर अभी तक उसके मन में उन्हीं लाल आँखों और बूट्स का खौफ होता है। डरता हुआ श्यामू खेतों की तरफ बढ़ने लगता है। खेतों से कुछ ही दूरी पर उसे नजर आता है कि कोई डरावनी शक्ल का सामने से उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके बिखरे बिखरे काले बाल, बड़ा सा मुंह और बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं। कभी वो डरावनी शक्ल बड़ी होती है तो कभी छोटी। ये नजारा देख के श्यामू की हवा टाइट हो जाती है। श्यामू उल्टे पैर भागने लगता है। ये तो श्यामू की आवाज है, इसे क्या हो गया?
फिर रामू भागता भागता श्यामू की आगे की तरफ जाता है। श्यामू भाग के रामू से लिपट जाता है। भाई बचा लो मुझे, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला नुकीले दांतों वाला भूत मुझे खा जाएगा। रामू आसपास देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। अरे श्यामू भाई आंखें खोलो, देखो कोई नहीं है। नहीं भाई, वो सिर्फ मुझे ही मारना चाहता है, इसलिए सिर्फ मुझे ही दिखता है। फिर रामू श्यामू को लेकर घर आ जाता है। फिर अगली सुबह, श्यामू उठो भाई, खेतों पर जाना है। श्यामू उठता है। फिर दोनों भाई खा पी के खेतों पर निकलते हैं। खेतों पे फसलों में पानी डालने के लिए श्यामू कुएं की तरफ जाता है। श्यामू कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं के अंदर झांकता है। चलो एक बाल्टी पानी निकाल लेता हूँ, अभी बाकी मजदूर आ जाएंगे तब निकालेंगे। बाल्टी खींचते हुए श्यामू की नजर कुएं की गहराई में जाती है। वहाँ उसे दिखता है एक डरावना हंसता हुआ भूतिया चेहरा जो उसे कुएं के अंदर बुला रहा होता है। कौन है अंदर? श्यामू झुक के अंदर देखने की कोशिश करता है। तभी एकदम से वो भूतिया चेहरा पानी में से श्यामू के बिल्कुल पास जाता है। श्यामू उसे देख के हक्का बक्का रह जाता है और बाल्टी वही छोड़ के भाग खड़ा होता है। शाम को जब रामू घर आता है तो उसे पता चलता है कि श्यामू को तेज बुखार है और श्यामू नींद में उसी भूत की बात कर रहा है। फिर रामू अपने प्रिय दोस्त काकू के घर जाता है। काकू गेट खोलो, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। काकू गेट खोल के रामू को अंदर बुलाता है। कहो भाई कैसे आना हुआ? रामू अपने प्रिय दोस्त काकू को श्यामू के भय के बारे में बताता है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा श्यामू के भय के भूत को भगाने के लिए, वरना श्यामू की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। फिर काकू रामू के कान में कुछ बोलता है। फिर रात होने पर, मैं आज कहीं बाहर नहीं जाऊंगा वरना वो भूत मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो डर से चिल्लाने लगता है। भूतिया चेहरा श्यामू को अपनी तरफ बुला रहा होता है। आओ मेरे पास आओ। श्यामू के रेंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रामू को बुलाने लगता है। रामू भाई कहो, बचाओ मुझे, उस भूत से बचाओ, वो मुझे बुला रहा है, मुझे खा जाएगा आज वो भूत, बचाओ रे। श्यामू कहाँ? देखो कोई नहीं है बाहर, ठीक से देखो। मुझे बचा लो भाई, वो मेरी तरफ ही आ रहा है, आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। फिर देखते ही देखते वो भूतिया चेहरा श्यामू के पास आके खड़ा हो जाता है। श्यामू डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। श्यामू आंखें खोलो, देखो कोई नहीं है यहाँ। आज तू नहीं बचेगा श्यामू। रामू भाई ये भूत सिर्फ मुझे ही दिखता है, ये सिर्फ मुझे ही खाएगा, आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तभी वो भूतिया चेहरा श्यामू का हाथ पकड़ता है। छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता अभी, मुझे छोड़ दो। तभी उस भूतिया चेहरे के पीछे से काकू निकल आता है। आंखें खोलो श्यामू, देखो भूत नहीं मैं हूँ काकू। काकू की आवाज सुन के श्यामू डरते डरते आंखें खोलता है। काकू को अपने सामने देख के वो बहुत चक्का रह जाता है। काकू भाई तुम, वो भूत कहाँ गया? श्यामू घबरा के आस पास देखने लगता है। कोई भूत नहीं था, ये देखो ये मुखौटा है ये। श्यामू ये तुम्हारा भय का भूत है,
वो हर जगह तुम्हें अपने पास बुलाता है, सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है, क्योंकि तुमने अपने मन में भूत का डर बिठा लिया है। श्यामू को समझ आ जाता है कि भूत हमारे मन में छुपा एक भय है। मैं निश्चय करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी नहीं डरूंगा और अपने भय के भूत को खुद पे कभी हावी नहीं होने दूंगा। उस रात सिर्फ डरावनी रात ही नहीं, बल्कि श्यामू के भय का भूत भी हमेशा के लिए ढल जाता।